बलरामपुर जिले के धान खरीदी केंद्र भवन मॉल में खरीदी प्रभारी एवं मंडी प्रबंधन पर धान के मानक तौल से अधिक लेने और धान बेचने आए प्रत्येक किसान से अवैध उगाही का मामला सामने आया है। किसानों ने मंडी प्रबंधक के मनमाने रवैये से परेशान होकर धान बेचने आए किसानों के मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। इसके बाद तत्काल कलेक्टर के निर्देश पर रामानुजगंज तहसीलदार राजस्व टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण कर मामले की जांच में जुट गई। दरअसल जिले के बहुचर्चित धान खरीदी केंद्र भवन मॉल का शुरू से ही विवादों से गहरा नाता है। धान खरीदी केंद्र भवर मॉल अपने कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। वहीं सुर्खियों में रहने का सिलसिला इस वर्ष भी जारी रहा। यहां पर फंड मुंशी से लेकर खरीदी प्रभारी तक दबंगई दिखाने से नहीं हटते। किसानों से मानक तोल से ज्यादा धान लेना और प्रत्येक किसान से मोटी रकम वसूलना कोई नई बात नहीं है। इतना ही नहीं, धान खरीदी क्लोजिंग करने के बावजूद भी कई 100 क्विंटल धान रजिस्टर में आसानी से दर्शा दिया जाता है। इसका खुलासा खुद नाके पर कार्यरत धान खरीदी केंद्र के सदस्य ने किया है। रजिस्टर में दर्ज होने के बाद भी वो धान खरीदी केंद्र तक पहुंचता तक भी नहीं है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि धान खरीदी केंद्र में कितनी अनियमितता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। इसके बावजूद खरीदी प्रबंधन पर प्रशासन की कार्रवाई करने पर हाथ पैर फूले रहे हैं। आई यहाँ समिति में यहाँ भरमाल धान लेके आई रही तो धान लन ली तो कलन जो ना ही धान में अथी बा पुटू जैसे करीबा तो वो कह के मैंने कलन जो धान में अथी नहीं इन्हें हिठे लगल नहीं धान अथी पास कैल तो फिर बाद में जाके 800 रुपया 1000 मांगत रहन तो फिर 800 रुपया दिली तो 800 रुपया दिली तो मैंने वजन हो गई। हाँ तौल हो गई वही 800 रुपया दिल ही बस। अब कितना तोल होगी धान? अब तो तोल के हमरा नहीं खे पता, साथे लड़का रहे। भरमाल समिति है, मैं धान लेके यहाँ पे आया था तो बोला गया कि धान काला काला दिख रहा है उस टाइप का, तो मेरे से 3000 डिमांड किया था। उसके बाद बोला कि 2500 दो, मैं बोला मैं नहीं दे पाऊँगा, का के दूँगा। तो बोलता है फिर ऐसे करते करते फिर मेरे से 1000 बोला, मैं बोला नहीं दूँगा, तो फिर 800 ले लिया। बता दें कि किसानों के द्वारा शिकायत के बाद कलेक्टर बलरामपुर के निर्देश पर मामले में मौके पर जांच करने पहुंचे रामानुजगंज तहसीलदार और जिला स्तर के अधिकारियों ने काफी देर तक धान खरीदी से संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की। इस मामले को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो मौके पर जांच करने पहुंचे अधिकारियों के द्वारा गोलमटोल जवाब दिया गया। मिलने के बाद हमारे जिला स्तर के जिला लेवल के अधिकारी ARCS साहब और हमारे DMO साहब के साथ मैं भी यहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ किसानों से जानकारी लिया कि किस संबंध में कैसे खरीदी की जा रही है। किसानों के द्वारा तो संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया गया, साथ ही साथ शिकायत के संबंध में हम लोग सारे पर्चियों को जब्त कर लिए हैं, अब उनका अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन के बाद ही आगे क्या सही पाया जा रहा है या गलत पाया जा रहा है उसके जानकारी दे पाएंगे। मेरे द्वारा समिति में उपस्थित होकर पूछा भी गया, लेकिन किसी भी किसान के द्वारा या लोगों के द्वारा इस प्रकार कोई शिकायत मेरे सामने नहीं रखा गया है। आपके द्वारा अगर प्राप्त की अभी सूचना दी जा रही है, इससे पहले सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, अभी सूचना प्राप्त हुई उसकी भी जाँच कर रहे हैं हम लोग। जो है रिकॉर्ड उकार्ड ले लिए हैं और इसका जांच करने के बाद ही पता पाएंगे अभी ये क्या स्थिति बन रही है उसकी। किस चीज़ की शिकायत मिली थी आपको? ये धान के संबंध में है। क्या है? धान क्या जो है, धान आया और चला गया धान, ऐसा करके शिकायत मिला था। कितना धान की मिली थी शिकायत की या इसमें गलत तरीके से चलाया गया? ये 250 बोरी का जांच के आए हैं सर। बयान तो अभी जो है हम लोग ले लिए हैं। मतलब बयान में क्या बोला है जो गेट कीपर था उसका बयान क्या? बयान वो लोग सब स्पष्ट तो नहीं किया जा सकता, सब अपना अपना दिए हैं, वो लिखा हुआ है सर। जिस ऐसा नहीं है बयान वान कुछ नहीं है, हम बयान जो ले लिए हैं चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ है, हम रजिस्टर रख लिए हैं, उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण के बाद ही यहाँ प्रावधान न मतलब नियम कानून तो नहीं है कि धान किसान लाए और पैसा लें, ऐसा नहीं है कहीं नहीं। किसान आरोप लगा रहे हैं, खरीदी के सामने आरोप लगा है, आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा है किसानों से। नहीं, पैसा तो हमको तो जानकारी ऐसे नहीं है, और हमने कई बार आया और हमने बताया भी है कि पैसा हो सके किसी प्रकार का लेना देना यहाँ नहीं है। प्रत्येक बॉडी में कितना भर्ती होना चाहिए? 40 किलो 700। किसानों का कहा, आपने चेक किया क्या? हाँ चेक किया, 40 किलो 700, हमने 40 किलो 700 के लिए सब इनको बता दिया है। आपने चेक किया क्या अभी नए बॉडी? नहीं अभी हम चेक नहीं किया है अभी।
लिहाजा गोलमटोल जवाब देना, ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर प्रशासन कार्रवाई करे भी तो कैसे, क्योंकि खरीद प्रभारी सहित कई कर्मचारी स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के करीबी बताए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन स्थानीय विधायक रामविचार नेताम के करीबियों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है या फिर धान खरीदी में ये सिलसिला जारी रहेगा।